हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर वेरी लास्ट लेक्चर ऑफ कैट एसेंशियल्स ये आपका सिक्स्थ लेक्चर है इन कैट एसेंशियल्स फॉर डी आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एडवांस्ड मैथ एडवांस्ड मैथ का क्या एप्लीकेशन है क्या यूज है व्हेन इट कम्स टू अब आप इसे एडवांस्ड मैथ बुला लीजिए या मॉडर्न मैथ्स बुला लीजिए या हायर मैथमेटिक्स बुला लीजिए दीज आर द सेम टॉपिक्स दैट फॉल अंडर डिफरेंट नेम्स ठीक है

इस प्ले लिस्ट पे सो दिस इज अ लिंक यू कैन क्लिक इट दिस डायरेक्टली टेक यू टू द्ले लिस्ट जहां पे ये सारे विडियोज इंक्लूडिंग दिस वन आज का वीडियो भी वहीं पर अवेलेबल होगा नाउ सो वॉट इज द बिहाइंड डूइंग दिस एंटायर सीरीज बिहाइंडियल का पर्पज क्या है सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ डी आई एल आर इज नॉट यू नो अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है ये अलग से कोई सेट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो सिर्फ सीखो तो काफी है राइट दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू मैथ इन दीस मेनी पॉसिबल वेस तो हमने एरिथमेटिक में हमने देखा कि हाउ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग रेशियो प्रपोशन एवरेजेस सिंपल इंटरेस्ट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कुड बी वेरी वेरी यूजफुल मिक्सर्स एलिगेशन थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क भी अगर पता होता है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है वेन इट कम्स टू डी आई एल आर सेट्स विच आर बेस्ड ऑन दिस राइट नेक्स्ट हमने एलजिब्रा में देखा कि हाउ अंडरस्टैंडिंग लीनियर इक्वेशन और समटाइम्स इवन क्वाड्रेटिकवेश इनक्वालिटीज या फंक्शन बेस्ड सेट भी आते हैं इन डी आई एंड एल आर एंड हमने ये भी देखा कि नंबर सिस्टम का बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशली वेन इट कम्स टू मैथ बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे पजल्स फॉर्म में होता है एंड यू नीड टू अप्लाई समी अदर लॉजिक बिहाइंड इट सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू सॉल्व है ना तो ये सब हमने वहां पर देखा है नाव वी आर डूइंग द लास्ट वेरी लास्ट एपिसोड ऑफ दिस

तो अगर आपको ये पता होता है कि कितने पॉसिबल अरेजमेंट यू आर एक्सपेक्टिंग जॉब सो मच मोर इजी राइट मोर ओवर बियॉन्ड दैट आर सो मेनी बियॉन्डर क्वेश्चन एकदम हिडन तरीके में आपको पीएनसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यू डोंट इवन रियलाइज के वो वैसा था राइट एंड व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स जहां पे लेट्स से देर आर यू नो टीम्स एंड एट टीम्स के बीच में राउंड uh, रॉबिन चल रहा है दो दो टीम्स के मैचेस चल रहे तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस इंटेंशनली और टू पुट यू नो दे ट्राई टू स्क्वीज पी एन सी समय इन बिटवीन डी आई एल आर का आप बैठ के सोचते रहते कि ये कैसे आया ये क्यों आया क्यों क्योंकि आप डी आई एल आर को एज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट समझ रहे राइट right? तो अगर आप बेसिक्स कर लेते हैं इनका देन इट बिकम सो मच मोर इजी सेम थिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली काफी हमने देखा है व्हेन इट कम्स टू डीआईएलआर वन वी हैव सीन बेस्ड ऑन गेम्स के यू uh, नो uh, you know, ये इ, इ, इसका इतना स्कोर आने का चांसेस इतना है या इसका बुलजाई लगने का चांसेस इतना है दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड विथ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑल दो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वी सी समेर कोई क्लूज या कंडीशन में जहां पे अरिथेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या एरथमेटिक मीन जोमेट्रिक मीन कुछ ना कुछ तो मैं विच मेक्स इट सो मच मोर डिफिकल्ट फॉर टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई दैट या वो अप्रोच आपको समझ में नहीं आता जब हम सोल्व करते हैं या जब आप यू नो डीपीपी के सोल्यूशन वगैरह देखते हो कि ये यहाँ पे क्यूँ लगाया राइट सो टू अंडरस्टैंड ये यहाँ पर क्यू लगाया आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या राइट right? राइट तो ऑल दो डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो बट ये जानना बहुत आसान है जरूरी है इट मेक्स इट सो मच मोर सिंपल वेदर टू टेक दैट रूट और नॉट फॉर एग्जाम्पल लेट्स वी हैव फाइव पीपल टू बी अरेन्ज ओके पांच लोगों को अरेन्ज करना है कुछ क्लूज कंडीशन दिया हुआ है लेक्टिंग अ क्लू टू बिगिन विथ वेन यू स्टार्ट विद्लू अगर आप एक ऐसे क्लू के साथ जा रहे हो जहां पर यह दिया हो कि ए इज नॉट सिटिंग इन द लेफ्ट एक्सट्रीम तभी आपको पता होना चाहिए कि कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे या ए एंड बी आर नॉट नेबर्स तो अगर ए एंड बी आर नॉट नेबर्स बोल रहे हैं इफ ए एंड बी आर नॉट नेबर्स कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बनेंगे ए यहां पर हो सकता है अगर ए यहां पर है तो बी यहाँ पर नहीं हो सकता बी कुड बी हेयर और कुड बी हेयर और कुड बी हेयर

राइट right? तो ये ऐसी जगहों पे ये बहुत यूजफुल रहता है सेम वे व्हेन इट कम्स टू कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस बेसिस पे तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखे हैं जहां पे लाइक आई सेड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के क्वेश्चन क्या हमें दे दिया कि 8 टीम्स हैं देयर आर 8 टीम्स इन अ ग्रुप एंड दे आर प्लेइंग राउंड रॉबिन टोटल कितने मैचेस हो रहे सो टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू डू कि 8 टीम्स 8 टीम्स हैं हमें दो दो के ग्रुप्स बनाने हैं ऐसे कितने ग्रुप्स हैं पता चलेंगे तो उतने मैचेस होंगे लॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट अगर आपका आर का वैल्यू टू रहता है देन द फास्टर वे ऑफ डूइंग इट जस्ट टेक एट एंड सेवन फ्रॉम द गिवन नंबर एक नंबर पीछे जाओ टोटल दो तो नंबर होने चाहिए आपके न्यूमरेटर में वन टू एंड बाई टू डायरेक्टली so 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 भी नहीं पूछा है टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपको ट्वेंटी एट so आ रहा है राइट डायरेक्शन यस हिलेलिस्ट ऑफ एडवांस्ड मैथ जहां पर विनीत सर एंड राहुल सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक समझाया है ऑफ एडवांस्ड मैथ यहाँ पे पी के वीडियोस भी है सो दिस इज अ लिंक टू द्ले लिस्ट यूज दिस लिंक एंड गो वॉच द बेसिक्स बिफोर डूइंग एनी सेट ऑन ऑन ठीक है मूविंग हियर इज एन डूंगीएल्पल सो दिस इज अ टू थाउजेंड सेवनटीन स्लॉट वन का एक सेट है ये कई लोगों ने मेरे साथ किया भी होगा इन समी अदर क्लासेस बट वो देख लेते हैव अ क्विक रीड गाइस राइट तो यहां पे देखो क्या बोला है A new airlines company is planning to start operations in a country. The company has identified 10 different cities which they plan to connect through their network to start with. The flight duration will be less than one hour. The flight duration between any pair of cities. This is important. Any pair of cities is less than one hour. To start operations, the company has to decide on a daily schedule. Underlying principle there, principle any person staying in any of the 10 cities.

अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखोगे यू विल रियलाइज के ऑल ऑफ द क्वेश्चन आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट यहां पर भी देखो देन द मिनिम नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट यू आर ऑल्सो इफ यू सी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट सो द काफ क्वेश्चन आर ऑल टॉकिंग अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट हमने ए को तो सॉर्ट कर दिया ए का बेसिक प्रिंसिपल जो है जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो तो सैटिस्फाइड है If anybody stays in A, he can go to B in the morning and return in the evening again to A. But if the person stays in B, what about them, him then? B major rara, Usko kar sub A jana ko flight So we have to do that. So let's give a flight from B to A in the morning. And if that same person who wants to return to B in the evening, ko flight. So we give one flight from A to B in the evening also. ट हियर बिटवीन ए एंड बी एर बी के बीच में ये वाली जो ए बी का जो पैर है उसमें मिनिमम कितनी डायरेक्ट फ्लाइट लग रही है मिनिमम वन टू थ्री फोर टू इन द मॉर्निंग टू इन द इवनिंग और टू फ्रॉम ए एंड टू फ्रॉम बी सो मिनिमम फोर डायरेक्ट फ्लाइट लग रही है डी एफ एस डायरेक्ट फ्लाइट ठीक है मिनिमम फोर डायरेक्ट फ्लाइट लग रही है

वन पेयर ऑफ सिटीज मिनिमम फोर डायरेक्ट फ्लाइट तो चाहिए यस yes. अब हमें यह देखना है कि टोटल टेन सिटीज है कितने पेयर बन रहे कितनी जोड़िया बन रही है सो इफ यू हेट टू डू दैट डायरेक्टली बैट के एक एक ए बी ए सी ए डी एफ ऐसे करेंगे इट विल टेक एजेस टू अंडरस्टैंड सो वॉट द लॉजिक सिंपल कॉम्बिनेशन का लॉजिक है टोटल टेन सिटीज है पैर बनाने के लिए हमें दो सिटीज की जरूरत होती है एक जोड़ी के लिए एक पैर के लिए दो सिटीज की जरूरत होती है तो टेन सी टू इज नाइन टू विच इज फोर्टी फोर्टी फाइव पैर ऑफ सिटीज एक पैर के लिए अगर फोर मिनिमम फ्लाइट चाहिए तो फोर्टी फाइव पैय के लिए फोर इंटू फोर्टी फाइव मिनिमम फ्लाइट चाहिए विच इज 180. एंड एटी सो मिनिमम

मैप्स एंड नेटवर्क का पार्ट हो सकता है तो दे सम हाउ मैनेज टू पुट इन प्रोबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ अ मैप्स एंड नेटवर्क क्वेश्चन राइट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट अगेन आई एम गिविंग यू द लिंक फॉर द एडवांस्ड मैथ प्लेलिस्ट यहां पर प्रॉबिलिटी की क्लासेस भी है प्लीज गो एंड वॉच टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबिलिटी एप्लीकेशन क्या है उसका एंड देन सोल्व दिस द एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग दिस सेट फ्टर नोइंगिटी वर्केंडस राइट यहां पर देखो क्विकली रीड टू थाउजेंड ट्वेंटी एवरी डे ऑफ विजिट सब्ल्यू टू फोर लोकेशन एबीसीडी डेली डिमांड ऑफ फॉर विजिट इन ईच लोकेशन इजर्टेन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर डि एंड करस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटी सी डायरेक्टली ही दे दिया तो डिमांड एंड

Uh, आप लॉजिस्टिक्स uh, uh, देख रहे हैं कि कहां से कहां जाना बेटर है सो दिस रियल लाइफ हैपनिंग अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना टू सॉल्व दिस सेट इफ यू नो हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क राइट क्वेश्चन की तरफ देखो एक बार यहां पर वी हैव द क्वेश्चन दैट डील्स चांसेस राइट जैसे यहां पर देखो ट इज दस दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज फोर्टी किलोमीटर्स हमें यह नहीं चाहिए कितना डिमांड है वॉट इज दस दैट फोर्टी किलोमीटर भी देखो वॉट इज दस चांस मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी वॉट इज द चांस दैट द टोटल नंबर ऑफ विच इज डेलीवर्ड इन डे इज टू सिक्सटी एंड द रूट एंड बिक्रमपुर ऐसे क्वेश्चन जहां पे प्रोबेबिलिटी की कोई नीड नहीं है जरूरत नहीं है बट है क्वेश्चन में डायरेक्टली लगा दिया प्रोबेबिलिटी नाउ इट बिकम्स आर जॉब अगर हमें प्रोबेबिलिटी आता है ये सेट करना आसान है दिस वन ऑफ द इजियर हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आता देन दिस एंटायर एक्सपीरियंस बिकम सच अ बैड टेस्ट इन द माउथ क्या इसके बाद क्वांट करने में आपको गुस्सा आता है राइट सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं आपका एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यू हैव जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वैसे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है बट देन दैट्स यूजुअली नॉट टेस्टेड इन यू नो एल आर डी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है अब इनके अलावा वी ऑल्सो गेट क्वेश्चन मीन जोमेट्रिक मीन मे बी हार्मोनिक मीन बट हमने अभी तक देखा नहीं है हारमोनिक मीन का बट एरिथमेटिक मीन जोमेटिक मीन वेरी वेरी यूजफुल कैसे यूजफुल है कहां पर आता है कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया है डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली बहुत सारे क्लूज एंड कंडीशन में आते हैं राइट क्लूज एंड कंडीशन में वी यूजली कम अक्रॉस दिज काइंड ऑफ अ क्लू के फॉर एग्जाम्पल लेट से देर आर थ्री रेस्ट्रांस ओके से पीक यू एंड आर एंड हमें इनका रेटिंग्स क्या है ढूंढना है राइट एंड ऑफ द क्लूज given टू restaurants पी क्यू एंड आर आर इन एन arithmetic प्रोग्रेशन तो इसका क्या मतलब है कि अगर इनका रेटिंग्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है दैट मीनस अगर पी को ए का रेटिंग मिला है तो क्यू को ए प्लस डी का रेटिंग मिलेगा आर को ए प्लस डी प्लस डी या ए प्लस टू डी का रेटिंग मिला है अब इसको रख के आपको लगाने हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ट्रायल एंड एरर करने हैं क्या क्या ऑप्शंस दे रखा है इंटीजर्स दिया है कैसा है ऑल दैट राइट अच्छा वन क्विक टिप लाइक दिस है ना ऐसा सिचुएशन जब भी आता है आई वुड नेवर रिकमेंड यू टू कंसिडर ए टू बी द फर्स्ट टर्म एंड आई टेल यू बाई तो अगर लाइक से आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट से सम ऑफ द रेटिंग अब जब सम ऑफ द सम्स इज दिस देते हैं तब क्या होता है यू गेट

फर्स्ट टर्म एज ए कंसिडर द सेकेंड टर्म एज ए ये ए प्लस डी हो जाएगा ये ए माइनस डी हो जाएगा तो अब जब सम निकाल रहे हो आप तो यू एंड ऑफ सीट दिसरेडी सेवन ए की वैल्यू निकल जाती है right? kind of राइट एरिथमेटिक मीन ऑफ दी थ्री टर्म्स इन एपी पी इज दस तो अब जब एरिथमेटिक मीन क्या है अगर आपको नहीं पता हो तब तो आप बैठ के फिर नॉर्मल एवरेज के जैसे सॉल्व करोगे इसे राइट यू नीड टू नो दैट वेन इट कम्स टू सीक्वेंसरीज इज इन एरिटिक प्रोग्रेस जो मिडिल टर्म होता है जो मीडियम होता है एवरेज ऑल्सो दरिथमेटिक मीन ऑल्सो सो टेक्निकली हम क्या बोल रहे कि क्यू जो है क्यू जो है इज दज ऑफ पी क्यू एंड आर अगर आपको यह भी पता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज इज नथिंग बट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स दिस मेक्स इट सो मच मोर सिंपल द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म बाय टू और द एवरेज ऑफ़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ द एंटायर सीक्वेंस तो अगर ये सब आपको चीजें पता होती है

राइट के तीन टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है इनका ज्योमेट्रिक मीन ये है सम ऑफ दैट राइट जस्ट गिविंग यू रैंडम एग्जांपल्स गो चेक दिस आउट ये राहुल सर और विनीत सर ने बहुत प्यारी तरीके से बहुत धीरे धीरे एवरी केस कंडीशन लेके समझाया है बट आई वांट यू टू गिव दिस यू नो द चांस है ना अगर आप टाइम नहीं देंगे देन अंडरस्टैंडिंग दिस विल बिकम डिफिकल्ट तब क्या होता है जब आप कोई सोल्यूशन देख रहे हैं डीपीपी सोल्यूशन देख रहे हैं या मेरा कोई वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है सर ये क्यों किया ई डिड यू चूज दिस अप्रोच यू नॉट डू दैट सर ये फॉर्मूला कहां से आया ये लॉजिक कहां से आया ऑल दैट कैन एक्चुअली बी आंसर्ड बाई योर सेल्फ अगर आपने ये बेसिक्स करे हो येस विद दिस आई वॉन्ट टू एंड यू नो आर एंटायर एसेंशियल्स का पूरा सीरीज बाई टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम दैट क्वॉन्ट

Yes, all the theories, whether it is related to arithmetic, whether it is related to algebra or number system or modern math. Yes. Yeah, advanced math, whatever. Hana in subke jo uses hain, applications hain is what you see here in DILR. So if you get comfortable with this, then solving a set from DILR should not be a big deal. थ वर्बल आई डोट वॉन्ट टू बिकम गुड रीडिंग कॉम्प्रिएशन फॉर डी एल आर ऑब्वियसली बट समाइम्स वी डू कम अक्रॉस क्वेश्चन होते हैं बहुत सारा डेटा होता है उसमें राइट सो यू शुड बी कम्फर्टेबल विथ रीडिंग बट इज इट जस्ट रीडिंग नो इट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट यूज है क्लूज में कंडीशन में नीदर नॉर ईदर और इच ये सब का क्या पर्पज है कमा कहां पर आ रहा है उसका क्या पर्पस है ऑल दैट रिलेट्स टू वट वर्बल तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने दिया क्या है आप वो सेट कैसे सॉल्व करेंगे यस सो गेट बेटर एट क्वांट गेट बेटर एट वर्बल यू विल ऑटोमेटिकली सी दैट यूर गेटिंग बेटर एट डी आई एल आर यस आई होव दिसरीज वॉज हेल्पफुल फॉर यू